हाउस से वो होता है कि ये डल लेक में खड़ी होती है, वो चलती नहीं है, और उसमें चार पांच अलग अलग कमरे होते हैं जिसमें लोग रहते हैं, और आपको छोटी सी नाव में वहाँ पर शिकारा नाव में वहाँ तक ले जाया जाता है। पर आप एक बार अंदर चले गए फिर बाहर आपको तुरंत निकलना हो तो ऐसे नहीं निकल सकते, 5-10 मिनट 15-20 मिनट भी कई बार इंतज़ार करना पड़ता है। वो भाई को तो बुलाना पड़ेगा ना आपको कि भाई आ जा मेरे को बाहर घूमने जाना है, मतलब जल्दी जल्दी आप अंदर बाहर नहीं कर सकते हो जो होटल में हो सकता है। फ्रेंड्स, ये श्रीनगर का डल लेक का शाम का नज़ारा, जून महीना है और अभी शाम के 7:45 है। ये राजभवन रोड के पास काफी शांति रहती है, वहाँ 2 नंबर से 17, 18 नंबर, 20 नंबर के घाट तक फुल ट्रैफिक रहता है। यहाँ पर आप शिकारा बोट में बोटिंग भी कर सकते हैं। मछली पकड़ ली और उसको मारा नहीं है, अभी जब खानी होगी तब मतलब ताजी ताजी खाएंगे, है ना? हाँ बेशक। ये लेफ्ट साइड में जो है वो सबसे महंगी बोट हाउसों में से एक है, और सामने तो आपको ये ट्रैफिक ही देखना है, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। ये देखो ये नज़ारे, वो नज़ारे, हकीकत दिखाऊंगा। हम टूर करते हैं सुकून के लिए, एकांत के लिए, लेकिन यहाँ पर ही ट्रैफिक जाम है। इस तरह से बोट में बैठकर अंदर जाने का, वहाँ पर अपने को रहने का, जो भी आपने बुक की हो बोट वहाँ पर, और दिन रात पॉल्यूशन जो सामने से करीब 300 मीटर दूर है, 200-250 मीटर ट्रैफिक जाम वाला रास्ता, उसका पॉल्यूशन लेने का। अच्छा देखिए, आर्मी भी पेट्रोलिंग कर रही है डल लेक में। टूरिस्ट शिकारा बोट में और आर्मी अंदरूनी इलाके में चेकिंग के लिए, कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। डल लेक का अच्छा नज़ारा तो घाट नंबर 18 के बाद ही शुरू होता है। पानी भी साफ है, पहाड़ियों का भी नज़ारा है, और भीड़ भी बहुत कम है, और ट्रैफिक भी इधर नहीं होता है। जो भी ट्रैफिक होता है वो वहाँ होटल एकोमोडेशन की वजह से होता है। यहाँ पर आप आराम से बैठिए, घाट नंबर 20। चलो देखते हैं, पूरा राउंड ले लेते हैं।